अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पोष पांडे के साथ आयम अजीशान। सर्दियों के मौसम में ड्राई स्किन के इश्यूज बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, और अगर इन इश्यूज को वक्त पर डील ना किया जाए और कोई अच्छा मॉइस्चराइजर इस्तेमाल ना किया जाए तो आगे जाकर ये ड्राइनेस एक्जिमा में कन्वर्ट हो जाती है। कोकोनट ऑयल में बेहतरीन ग्रीजिंग इफेक्ट होता है जो हमारी स्किन के लिए मॉइस्चराइजर का काम करता है। विटामिन ई हर स्किन टाइप के लिए बहुत बेस्ट है। विटामिन ई रिंकल्स, एक्जिमा, इची स्किन तमाम इश्यूज को रिजॉल्व करता है। लोशन किसी भी कंपनी का हो, पानी लगते ही उसकी मॉइस्चराइजिंग पावर खत्म हो जाती है। लिहाजा हम एक ऐसा मॉइस्चराइजर बनाएंगे कि पानी लगने के बाद भी हमारी स्किन ड्राई नहीं होगी। इस मॉइस्चराइजर को बनाने के लिए हम एक लोशन की बॉटल लेंगे। इसके अंदर ही हम एक चम्मच कोकोनट ऑयल का डालेंगे और इस बॉटल में आधी मिकदार लोशन भी मौजूद है। इसी में हम दो विटामिन ई के कैप्सूल डालेंगे और ये दोनों इंग्रेडिएंट्स बॉटल में डालने का मकसद ये है कि इसे हम अच्छे तरीके से शेक कर पाएंगे। इसे अच्छे तरीके से शेक करने के बाद अब मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ कि विटामिन ई और कोकोनट ऑयल अच्छे तरीके से लोशन में मिक्स हो गए हैं। ये आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। इस लोशन को आप दिन में 2 से 3 दफ़ा इस्तेमाल करें। ये आपके हाथों को ड्राई नहीं होने देगा। बेशक आप जितना भी पानी इस्तेमाल कर लें, आपके हाथ इस मॉइस्चराइजर की वजह से ग्रीसी और सॉफ्ट रहेंगे। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।